नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के नवीन मार्केट पत्थरकटा के पास दिन दहाड़े किसान से लुटेरों ने 50,000 रुपए लूटा और फरार हो गए। वारदात सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास हुई, जब पीड़ित ई रिक्शे से लोक अदालत में अपने लोन की किस्त को जमा कराने कचहरी जा रहा था कि तभी ई रिक्शे में उसके साथ बैठ लुटेरे ने जेब में रखे रुपए झपट कर फरार हो गया और रिक्शे से उतरते ही उसके साथ उसका दोस्त बाइक लिए मौजूद था, जिसमें बैठकर दोनों फरार हो गए। बता दें कि पीड़ित किसान सुल्तानपुर घोष थाने के सैदपुर गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मैं तुम्हारा चंद्रपाल, कहाँ से आ रहे थे? क्या हुआ है? 50,000 रुपए कट गए। कहाँ पे, किस जगह? नहीं वो आदमी तुम्हारे साथ रिक्शे में बैठा था? अच्छा, अब कहाँ पैसा कहाँ है जमा करने आ रहे थे? लोक अदालत। अच्छा, आज लोक अदालत थी। किस गांव के रहने वाले हो? क्या नाम है? हुआ है ये पैसा निकाल कर रहे हैं। कितना? 50,000। कहाँ से आ रहे थे लेके? सैदपुरा से। अच्छा, काहे में थे जो ले गए पैसा? सर वो हमारे बगल में बैठा हुआ था, सर जो है इनके बगल में बैठा हुआ था, कार भाग गया, एक मोटरसाइकिल वाला इधर था सर, उसको बैठा के लेके वो लेके भाग गया। तो लोक अदालत में जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में दो व्यक्ति जो कि लोक अदालत में जा रहे थे और अपने पास 50,000 रुपया रखे थे, किसी व्यक्ति ने उनका जेब काट लिया और रुपए उनके निकाल लिए हैं। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, अभी वो पंजीकृत कर शीघ्र घटना का वर्कआउट कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।